बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डू द सीआरक्यूज ऑफ चैप्टर 3। 17th मई इज डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे। द डे वाज स्टार्टेड टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ दिस साइलेंट किलर डिजीज। द नेशनल हेल्थ सर्वे ऑफ पाकिस्तान एस्टिमेट्स दैट मोर देन हाफ ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान सफर्स फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। मोस्ट ऑफ देम आर अनअवेयर ऑफ देयर डिजीज। Why this is an alarming report? अब आपने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा है और उसकी वजह से मज़ीद कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं ये भी पढ़ा है। ये रिपोर्ट क्या बता रही है कि पाकिस्तान के एडल्ट पॉपुलेशन 18 ईयर्स से ज़्यादा के जो लोग हैं इसमें से आधे लोगों को ये बीमारी है और ज़्यादा को पता ही नहीं कि उन्हें ये बीमारी है। ये क्यों अलार्मिंग रिपोर्ट है? दिस इज़ एन अलार्मिंग रिपोर्ट बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ very dangerous disease and it can cause many other diseases. और लोगों को जब नहीं पता तो जाहिर सी बात है कि वो ना इलाज करेंगे ना एहतियात करेंगे तो उनके ऊपर सारे उसके ख़तरनाक असरात होंगे। What the adults of Pakistan should do in this situation? क्या करना चाहिए पाकिस्तानी adults? सोचें। हाँ जी, सबसे पहले ये कि adults of Pakistan को अपना blood pressure regularly check करवाते रहना चाहिए। आपके घर में जितने भी बड़े लोग मौजूद हैं सबको कहें कि हर थोड़े दिनों बाद मुख्तलिफ टाइमों पे, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहा करें। अगर घर में मशीन नहीं है तो बीपी ऑपरेटर्स जिनके घर है या क्लिनिक्स पे जाके चेक करवाते रहें। उससे ये होगा कि पता चल जाएगा अगर किसी एक दफ़ा भी ब्लड प्रेशर हाई आया है तो फिर उसको मॉनिटर करना चाहिए डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक और फिर उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नंबर 3, व्हाट द यंग जनरेशन कैन डू टू रिड्यूस दिस परसेंटेज इन फ्यूचर। आपने ब्लड प्रेशर वाले टॉपिक में पढ़ा है कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। फैट्स का ज़्यादा होना डाइट में, सोडियम का ज़्यादा होना, स्ट्रेस, वेट ज़्यादा होना वगैरह, वो जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनसे यंग जनरेशन को बचना है। यंग जनरेशन अगर अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए तैयार करेगी तो फ्यूचर में ये बीमारी कम हो सकती है, अदरवाइज़ ये बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट सीआरक्यू इज़, इन 2019 900% इन एन एरिया ऑफ पाकिस्तान हैव बीन डायग्नोज्ड एज एड्स पेशेंट्स, मोस्टली चिल्ड्रन। अ लोकल डॉक्टर हु ट्रीटेड सेवरल पेशेंट्स विद अ सिंगल नीडल एंड सिरिंज वॉज ब्लेम्ड फॉर स्प्रेडिंग द वायरस विच कॉजेज एड्स। कैन यू रिलेट द सिचुएशन विद द स्प्रेड ऑफ अदर डिजीजेज। आपने इस चैप्टर में कोई बीमारी ऐसी पढ़ी है जो नीडल और सिरिंज से फैलती हो? हाँ जी, हेपेटाइटिस बी और सी, और पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ज़्यादा फैला है इसी वजह से, क्योंकि सिंगल नीडल और सिरिंज बहुत से डॉक्टर्स या गाँव वगैरह में जो कंपाउंडर्स होते हैं या नकली डॉक्टर या हकीम वगैरह होते हैं वो एक ही सिरिंज, एक ही नीडल, एक ही ड्रिप यूज़ करते चले जाते हैं बार बार कई मरीज़ों के लिए, जिससे ऐसी बीमारियां हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स फैल सकते हैं। नंबर 2, कैन यू सजेस्ट वेज टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ सच डिजीजेस। ऐसी बीमारियां जो ब्लड से फैलती हैं, बॉडी फ्लूइड से फैलती हैं, उनको बढ़ने से रोकने के लिए पाकिस्तान में क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी बात यह कि कभी भी सिंगल नीडल और सिरिंज कई लोगों पे ना यूज़ हो, ठीक है ना? या आपने चैप्टर के बीच में पढ़ा था हेपेटाइटिस बी और सी के स्प्रेड में डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बार्बर्स के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इन सारी जगहों पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली स्टेरलाइज करके इस्तेमाल किया जाना चाहिए और सिरिंज या नीडल कभी भी दोबारा नहीं यूज़ होनी चाहिए, डिस्पोजेबल होनी चाहिए और उनको यूज़ के बाद तोड़ के फेंक देना चाहिए, प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ होना चाहिए इन तमाम नीडल्स वगैरह को। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज, डेंटिस्ट, बार्बर्स, ईटीसी इन दिस सिचुएशन? जी, सबसे ज़्यादा रोल इन्हीं का है क्योंकि यही लोग सबसे ज़्यादा डील कर रहे हैं पेशेंट्स को या लोगों को और इन बीमारियों के फैलने का सबब बन सकते हैं। अगर पूरे मुल्क के डॉक्टर्स, नर्सेज, डेंटिस्ट, बार्बर्स बहुत ध्यान करें और एक चीज़ जो एक मरीज़ या एक आदमी के लिए, एक इंसान के लिए इस्तेमाल करें वो दूसरे के लिए हरगिज़ ना इस्तेमाल करें, और अगर
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स दोबारा इस्तेमाल करने पड़े तो उनको स्टेरलाइज करके. नेक्स्ट CRQ इज द किडनीज रिमूव एक्स्ट्रा वाटर एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड अ टाइप ऑफ वेस्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द ब्लड. यूरिया इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इन द बॉडी. हसन इज सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर. हिज डॉक्टर एडवाइज हिम सर्टन फूड रिस्ट्रिक्शंस. इनफर व्हाई ही इज एडवाइज. देखिए ये किडनीज का फंक्शन है जो आपने पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि ये वेस्ट को रिमूव करते हैं. ठीक है जी. अब यहाँ पे एक बात ये बताई गई है आपको कि मेनली जो काम है वो यूरिया को रिमूव करना. यूरिया प्रोटीन्स में ज़्यादा होता है. यूरिया प्रोटीन्स में नहीं होता मतलब प्रोटीन खाने से यूरिया ज़्यादा बनता है बॉडी में. अब कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट है तो डॉक्टर उसको कुछ चीज़ें कम यूज़ करने को कहते हैं. मसलन ड्रिंक लेस वाटर. आम हालात में एक नॉर्मल इंसान को कहते हैं ज़्यादा पानी पिए लेकिन किडनी फेलियर के पेशेंट को कहते हैं कम पानी पिए. क्यों? क्योंकि बिकॉज द किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली सो दे कैनॉट रिमूव वाटर. अवॉइड सॉल्ट्स. किडनीज का एक काम है एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को रिमूव करना. एक काम एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना. दूसरा काम है एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव करना. तीसरा काम है यूरिया को रिमूव करना. सो किडनी फेलियर पेशेंट्स कैन नॉट रिमूव एक्स्ट्रा सॉल्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी. सो दे आर एडवाइज टू टेक लेस सॉल्ट्स. थर्ड क्या एडवाइस थी? अवॉइड मीट एग एंड पल्सेस बिकॉज दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड किडनी फेलियर पेशेंट्स आर अनएबल टू रिमूव यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन.